चीज के लिए आप सबका। ये एक बहुत ऐतिहासिक समारंभ इधर इसलिए हो रहा है, ना सिर्फ कि इतनी भव्य तरीके से उसको आयोजन किया गया है, लेकिन जो उद्देश्य है वो बहुत भव्य है, बेमिसाल भी है। चार साल पहले जब राहुल जी मेरे पास आए थे और ये आइडिया मुझे उन्होंने बताया तो हमने विचार विमर्श किया, पर लेकिन जब मैं घर जा रहा था तब मैं ये सोच रहा था कि ये आदमी जानता है वो क्या करने जा रहा है, क्योंकि बापू ने कहा था कि अगर हमें अपना कल बदलना है तो हमें आज युवाओं के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी, और आज युवाओं के साथ शुरुआत ऐसे ही प्रायोजनों से होती है। अगले तीन दिन में आप बहुत दिग्गजों की बातें सुनेंगे, कई ऐसे होंगे जो रंगभूमि से होंगे जिनके चेहरे देखकर आप खुश होंगे, लेकिन यहाँ आप चेहरे देख के ताली बजाने के लिए नहीं आए, उसके लिए आप सिनेमा जा सकते हैं। यहाँ उनके कार्यों की मिसाल लेने के लिए आप आए, उनके जीवन की सीख लेने के लिए आप आए हैं, और अगले तीन दिन तक यही आप करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आप एब्जॉर्ब करके जाएंगे वो आपको जीवन भर के लिए एक बेहतर इंसान बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। Sixth Indian Student Parliament, the largest classroom of over 10,000 students and youth across India representing 450 universities, initiated by Myers MIT School of Government, Pune, India, and supported by UNESCO, DIS, Union Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Ministry of Higher and Technical Education, Government of India, Ministry of Higher and Technical Education, Government of Maharashtra, Ministry of Sports and Youth Welfare, Government of Maharashtra, and HBS Club of India. For more information and registrations, please log on to www.bharatiyachhatrasansad.org.